नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की। गोरखपुर में मां बेटी जिंदा जले, मौत, पति के झगड़े के बाद केरोसिन डालकर लगाई आग, दो बच्चों ने भागकर बचाई जान। हरदोई में राजनीतिक वर्चस्व में डबल मर्डर, 8 बार पेचकस घोपा, हथौड़े से सिर पर वार, कुचलने के बाद 200 मीटर तक घसीटा। कानपुर में अपार्टमेंट बनाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी, 200 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट में फंसे सैकड़ों खरीदार, एक फ्लैट को 4 लोगों को बेचा। मुजफ्फरनगर में चलती ट्रेन में किशोरी से हुई छेड़छाड़, अपहरण का हुआ प्रयास, जीआरपी थाने में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 8 झुलसे, 4 आईसीयू में एडमिट। अलीगढ़ में हाजी के ठिकानों पर पड़ी आईटी रेड, 2 दिनों से 22 मशीनों से गिना जा रहा कैश, विदेशों में होता है मीट सप्लाई। इटावा में ढोल मुनादी करवाकर गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति कुर्क, 4 अपराधियों की संपत्ति की गई कुर्क, 1 टॉप 10 अपराधी। इटावा में रेप केस के आरोपी को 20 साल की जेल, 1,05,000 का जुर्माना, 2019 में घर में घुसकर किशोरी से किया था रेप। कानपुर के करौली आश्रम से लापता शख्स की 2 महीने बाद हुई एफआईआर, बाबा पर लगा तकरीबन 1.5 लाख की ठगी का आरोप। सुल्तानपुर में पंचायत सेक्रेटरी पर हुई एफआईआर, विकास कार्य का कमीशन नहीं देने पर भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम की थी पिटाई। मेरठ में मां ने प्रेमी संग की बच्चे की हत्या, 2 दिन से पुलिस को बच्चे गायब बताकर किया गुमराह, कॉल डिटेल से खुला सच। आने वाले गर्मी के मौसम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने अधिकारियों को हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। बहराइच में 8 साल के बच्चे की गला रेत कर हुई हत्या, घर से 200 मीटर दूर खेत में मिला शव, सिर पर मिले चोट के निशान। बिजनौर में कारोबारी की हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामपुर के टूरिस्ट प्लेस को और खूबसूरत बनाएगा प्रशासन, डीएम ने पर्यटन स्थलों का किया निरीक्षण। मथुरा में एक बार फिर रिश्ते हुए शर्मसार, पिता ने किया बेटी का रेप, कोर्ट ने आरोपी पिता को सुनाई उम्र कैद की सजा। सहारनपुर कोर्ट ने 11 साल बाद व्यापारी की अपहरण कर हत्या करने के मामले में सुनाया फैसला, कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा। प्रयागराज पुलिस दोबारा तैयार करेगी अति गैंग की लिस्ट, माफिया के राइट हैंड आबिद प्रधान का नाम सूची से बाहर, नए चार्ट में बेगम बेटे भी होंगे शामिल। मेरठ में मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी को दिया तलाक, जबरन घर से निकाला, पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के साथ दिखा शूटर उमेश पाल, हत्याकांड में शामिल शूटर अरमान के साथ आया शाइस्ता परवीन का वीडियो।
रायबरेली में किसान की गोली मारकर हत्या, बचाने आए युवक को भी बदमाशों ने पीट पीट कर किया घायल। यूपी में कोरोना रिटर्न सप्ताह भर में 200% से ज्यादा बढ़े कोविड केस, 24 घंटे में मिले 44 नए केस। झांसी के गरौठा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, जैन परिवार में डकैती करने के बाद से फरार थे दोनों बदमाश। अलीगढ़ में डॉक्टर के किडनैपर्स को हुई उम्र कैद, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को 2021 में किया गया था किडनैप। अलीगढ़ में हुक्का बार पर हुई छापेमारी, सिविल लाइन में चल रहे बार में लड़के लड़कियों को दिया जा रहा था नशा, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। झांसी में सफाई घोटाला, मनमाफिक जगह काम कराया, अब सचिव प्रधान से होगी 52,000 की रिकवरी। अलीगढ़ में पशु चोरी करने वाले चार लोगों पर हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, क्षेत्र में कई चोरी की घटनाओं को दिया था अंजाम। कासगंज में पीएससी जवान की कार्बाइन से चली गोली, बच्चे को लगी गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, पिता के साथ मेला देखने आया था बच्चा। गोरखपुर में किन्नर की हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, इलाके के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। यूपी में जल्द खुलेंगे 2,505 नए स्वास्थ्य केंद्र, ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जल्द पूरा करने के दिए निर्देश, इलाज जांच की मिलेगी सुविधा। सड़क हादसे में घायल वृद्ध महिला की मौत, दो दिन पहले अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर, जांच में जुटी पुलिस। सूची में नाम होने के बाद भी नहीं मिला आवास, बांदा में पीड़ित ने ग्राम प्रधान और सचिव पर रुपए लेने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। लखनऊ में बाइक से पीछा कर रहे दो युवकों को कार सवार दबंगों ने मारी टक्कर, ढाबा मालिक की मौत, साथी घायल। बुलंदशहर में नव निर्माण के लिए आया बजट, शासन को हुआ वापस, लोगों की समस्या जस की तस, 3 लाख से ज्यादा लोग होंगे प्रभावित। गजरौला में दिन दहाड़े महिलाओं से हुई लूटपाट, झोलों में गहने रखवाए, बाद में थैला छीनकर भागे बदमाश। कानपुर देहात में ऑयल फैक्ट्री में धमाका, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद धमाका, 2 की मौत, 6 गंभीर। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरा टेम्पो पलटने के बाद जेसीबी से टकराया, 11 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में चार मूर्ति अंडरपास के प्रारंभिक डिजाइन तैयार, सीईओ के समक्ष हुआ प्रस्तुतिकरण, सीईओ ने कंसल्टेंट एजेंसी से फाइनल डिजाइन शीघ्र देने के दिए आदेश। मुरादाबाद में छात्रा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी का पिता गिरफ्तार, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने जहर खाकर दी थी जान, अभी तक 5 को भेजा गया जेल। कानपुर में ऑनलाइन चालान व्यवस्था ध्वस्त, मॉडल चौराहे पर 1.5 साल से कोई चालान नहीं, स्मार्ट सिटी से खर्च हुए 500 करोड़। बिलग्राम में लस्सी विक्रेता ने किशोर से किया कुकर्म, पीड़ित बोला गिरफ्तारी ना हुई तो दे दूंगा जान। बुलंदशहर में ऑपरेशन मुस्कान हुआ सफल, पुलिस ने खोई खुशियां लौटाई, चंद घंटों में सफलता,
दिलाई है। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्य हुए गिरफ्तार। चोरी की गई चार कार, छह बाइक और दो तमंचे के साथ कारतूस बरामद। औरैया में स्टाम्प वेंडर ने एसडीएम न्यायालय के अंदर खाया जहरीला पदार्थ। जहर खाने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। बदायूं में खुलेआम लगाया जा रहा है सट्टा। बंद घर में सट्टा लगाने का वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की हुई मौत। कोर्ट में पेशी पर आए कैदी का स्वास्थ्य खराब होने पर जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बुलंदशहर में भूकंप के खतरे को लेकर एनडीआरएफ की ओर से अस्पताल में कराई गई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप के दरमियान राहत बचाव के तरीकों से कराया गया रूबरू। कानपुर देहात में ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका। फैक्ट्री प्रशासन की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। तेजी से बढ़ रही बीजेपी में हलचल। राज्य मंत्री दानिश आजाद ने की बीजेपी नेताओं से मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा। लखनऊ में रमजान आते ही बाजारों में दिखी रौनक। सहरी और इफ्तारी के लिए जगह जगह खरीदारी करते दिखे लोग। मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है रमजान। श्रावस्ती के मंदिर पर एक ढोंगे पंडित ने किया कब्जा। पंडित से महिलाएं और बच्चियां हुई परेशान। श्रावस्ती में फर्जी रेप केस में जेल गए युवक को 10 साल बाद मिला न्याय। 2013 में महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को भेजा था जेल। उन्नाव में इन्फ्लुएंजा वायरस ने दी दस्तक। इन्फ्लुएंजा वायरस के मिले दो मरीज 18 मार्च को लखनऊ भेजा गया था सैंपल। बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार। छह बाइक और दो तमंचे बरामद। नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे चोरी के वाहन। कानपुर में रमजान के पहले दिन बाइक सवार युवकों का हुड़दंग। गंगा बैराज वाले सड़क पर बिना हेलमेट लगाए नियमों की उड़ाई धज्जियां। अमरोहा में एसपी ने पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। एसपी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बुलंदशहर में जंगली तेंदुए ने मचवाया आतंक। तेंदुए ने बनाया बकरी के बच्चे को अपना शिकार। हरदोई में पति की बीमारी के बाद पत्नी ने संभाली घर की कमान। टी स्टॉल लगाकर कर रही बच्चों की परवरिश। फरीदाबाद में भूकंप के मामलों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। तीन आरोपी गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आरोपी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बल्लभगढ़ में राशन डिपो पर हुई छापेमारी। राशन कालाबाजारी की सूचना पर हुई छापेमारी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने किया औचक निरीक्षण।
प्रयागराज में शिक्षक ने छात्रा से की छेड़छाड़, छात्रा से अश्लीलता करने वाला शिक्षक निलंबित। औरैया में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों की चोरी कर हुए फरार। बुलंदशहर में युवक की दबंगई से महिला हुई परेशान, महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में महिला सशक्तिकरण को लेकर निकाली गई बाइक रैली, 1090 चौराहे पर निकाली गई बाइक रैली। हापुड़ में वकीलों ने कचहरी के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस का प्रवेश किया बंद, महिला अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर हंगामा। हरदोई में प्रिंसिपल हुआ निलंबित, सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी बीएसए ने जारी किया पत्र। रमजान माह की शुरुआत जुमे पर सुरक्षा कड़ी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा रोजा न रखने वाला सख्त गुनहगार। आजमगढ़ में पुलिस लाइन में एसपी ने ली परेड की सलामी, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए कराई दौड़। ललितपुर में सुसाइड नोट लिखकर युवक हुआ लापता, फेसबुक पर पोस्ट किया, लिखा मुझे माफ कर देना। मेरठ में वाल्मीकि समाज की महिला से रेप की कोशिश, विरोध करने पर पीटा, बचाव करने आए पति से भी की मारपीट। बरेली में व्यापारी के घर हुई चोरी का हुआ खुलासा, 2 बदमाश अरेस्ट, 7 मार्च को लाइसेंसी पिस्टल समेत लाखों की चोरी को दिया अंजाम। यूपी के 13 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, वही लखीमपुर खीरी में 24 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा मौसम। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।